व्हाट्सअप गाइस, आज हम खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट और स्वागत है आपका Z7 गेमर्स में। ठीक है, सबसे पहले हम तोड़ेंगे वुड, क्योंकि सबसे पहले माइनक्राफ्ट में तोड़नी पड़ती है वुड, वरना कुछ काम पॉसिबल नहीं होता। तो मैं फटाफट तोड़ लेता हूँ वुड। दो ब्लॉक हो चुके हैं, ये तीन ब्लॉक हो चुके हैं, ये चौथा और ये पाँचवा। बस पाँच तोड़ने के बाद बना लेते हैं हम। अबे चलो, पाँच मिला नहीं इसलिए ये पाँच हो गया। ठीक है, अब पाँच तोड़ने के बाद हम फटाक से बना लेते हैं क्राफ्टिंग टेबल। क्राफ्टिंग टेबल की रेसिपी कुछ ऐसी है, इन चारों में रख दो ब्लॉक, ये बन गया क्राफ्टिंग टेबल। और मैंने बना लिया पिकेक्स, थोड़ा मतलब मैंने कट कर दिया था। चलो नीचे जाना है हमें, तो इस साइड से चलते हैं। मुझे स्टोन चाहिए तो इधर बहुत पड़ोस में है, तो मैं नीचे कूद जाता हूँ और यहाँ पर फटाक से स्टोन तोड़ लेता हूँ। थोड़ा आगे से तोड़ लेता हूँ, कहाँ से तोड़ूँ, चलो यहाँ से तोड़ लेते हैं स्टोन बार फटाफट। अरे तो ग्रेवल आ गया, देखते हैं ऊपर साइड नहीं है ग्रेवल, तो फटाफट से मैं स्टोन तोड़ लेता हूँ। तो गाइस स्टोन तो तोड़ लिया है, एक स्टोन यहाँ पड़ा हुआ है, तो फटाफट से क्राफ्टिंग टेबल में डाल के कुछ बेसिक टूल बना लिए हैं मैंने। ठीक है, थोड़ा कट कर दिया था, कोई बात नहीं। तो मैंने कुछ बेसिक टूल बना लिए हैं और अभी मेरे को ज़रूरत पड़ेगी फूड की और एक बेड की, तो मैं इस शिप को मार देता हूँ। अभी तक की मुझे पहली शिप मिली है, इसके पड़ोस में एक गधा है, इसको मारूँ क्या? ओहो, इसका थोड़ा बेटा बेटा है, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। चलो ये और वुड तोड़ लेता हूँ, क्योंकि माइनक्राफ्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वुड। ठीक है, तो मैंने थोड़ी सी वुड और तोड़ी है और मैं फूड ढूंढ रहा हूँ। चलो ये मुर्गी मार देता हूँ और चलिए गाइस अपन वो ये क्या मिला, लामा। अरे लामा ऐसे कब से घूमने लग गया यार, लामा नामा ही बोलते हैं ना इसको जो भी है। अरे अरे मेरे को टेम नहीं हो रहा, चलो फटाक से। ये इसका नाम है चिंकू। चिंकू बेटा, चिंकू बेटा मुझे नीचे उतारो। कैसे उतरते हैं? हाँ चलो ठीक है, चिंकू बेटा यहीं रहना, मैं आता हूँ बाद में। चलो गाइस अभी नीचे मिलता हूँ मैं, थोड़ा यहाँ पर तो कुछ मिल नहीं रहा, तो मैं चलता हूँ नीचे फटाफट। तो गाइस मैं नीचे उतर चुका हूँ और यहाँ पर मुझे एक पिग्गी मिला है, इसको मार देते हैं। इसको मार दिया, अब मुझे एक घर बनाना है। तो घर बनाने के लिए अभी मैं वुड से घर नहीं बनाने वाला, तो मैं क्या करूँगा कि कोई भी मतलब जैसे कि ये माउंटेन है, तो इसके अंदर डिग करके एक छोटा सा घर बना के उसमें डोर लगा लूँगा, और अगले एपिसोड में अपन एक बढ़िया सा घर बनाएंगे। चलो ये अब जगह अच्छी लग रही है थोड़ी, तो मैं यहीं पर घर बना लेता हूँ। ठीक है, तो दो तीन ब्लॉक अंदर खोदेंगे और यहाँ पर लेफ्ट साइड में दो ब्लॉक। ठीक है, तो ये तीसरा ये हो गया और यहाँ से अंदर जाएगा अपना एक छोटा सा रूम, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा बनाने के चक्कर में हो जाता है गपला वपला। चलो ठीक है, ये खुद रहा है अपना, ये बस इतनी ही लेंथ रखते हैं। और ठीक है, यहाँ से इंसान आएगा, ऐसे सर में तो नहीं अड़ेगा, तो यहाँ से आएगा और ऐसा। ठीक है, अब यहाँ से फटाफट मैं तोड़ लेता हूँ इस साइड से ऐसा, उधर दो साइड कर दूंगा, इधर एकदम बराबर, एकदम यहाँ से इधर से, इधर से भी एक ब्लॉक तोड़ देते हैं और मैं मिलता हूँ आपको तोड़ने के बाद। तो गाइस ये मैंने तोड़ लिया है, बस ये तीन से चार ब्लॉक बचे हैं, इसको भी मैंने तोड़ दिया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, मतलब क्राफ्टिंग टेबल रख के दिखा देता हूँ कि कैसा है ये। देखो गाइस ऐसा कुछ बना है अपना, ज़्यादा अच्छा तो नहीं बना है मगर फिर भी ठीक से बना है। तो मैं एक फर्नेस बनाने के बाद फर्नेस रख देता हूँ पड़ोस में, और मेरे पास इसमें एक मेट का टुकड़ा है और इसमें वुड रख देता हूँ, जिससे अभी मेरे पास कोल तो मिला नहीं है, तो ऐसा कुछ बना है। तो मुझे अभी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर एक डोर की, तो पहले मैं फूड लाता हूँ, क्योंकि मतलब और मेरे को बेड भी नहीं मिला। वो ये छोटा पिग्गी, इसको छोड़ देते हैं। बाकी मुझे बेड नहीं मिला, तो मुझे पहले बेड के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। ओ सामने मुझे काऊ मिली है। ओ गाइस कुछ दिखा, अरे वाह, अरे यार देखो देखो गाइस सामने देखो, विलेज मिल चुका है। फटाफट मैं विलेज जाकर सब लूट लेता हूँ उनका, जो भी उनके पास सामान वामान है। वैसे मुझे बेड की कमी हो रखी थी, वहाँ मुझे बहुत बेड मिलेंगे। ओ अरे यार ये तो डेड विलेज है, मतलब इधर तो सब मरे हुए होंगे। डेथ विलेज मिला है, ठीक है, तो डेथ विलेज में हम चलते हैं फटाक से।
इधर ऐसी जगह कौन बनाता है यार खेत फार्म। चलो ये झाँक के देखता हूँ इधर पहले तोड़ के। अच्छा इधर ज़ॉम्बी हैगा, इसको मारता हूँ। इधर आ ओए चाचा, इधर आ चाचा राजनीति, इधर आओ। अरे वो छुप गया वहाँ पे साइड में। दो सोड का बचा है, ये एक और ये दो गया। तो इसकी चेस्ट में क्या मिला? इसकी चेस्ट में मिला है 4 ब्रेड और ये अधड़ा फदड़ घास फूस। नहीं चाहिए मुझे बैट चाहिए यार, बैट नहीं है ना वरना मर जाऊँगा तो वापस वहाँ पहाड़ी के ऊपर जाना पड़ेगा। सबसे अच्छा बैट तोड़ो इनके। वैसे गाइस मुझे लगता है ये मरे हुए विलेज में तो कुछ मिल तो रहा नहीं है, ऐसे फालतू विलेज है। शायद ही इधर कुछ रेयर चीज़ मिलेगी जैसे कि ये मिला है। मुझे आज तक इसका यूज़ करना नहीं आया है, मैं इसको अपने घर में लगाऊंगा जाके अभी। चलो फिर मैं इनके घर चेक करता हूँ यार, घर में कुछ मिलना चाहिए यार। चलो फटाफट, बेड के अलावा कुछ नहीं मिल रहा, वो भी मैं तोड़ के ही ले जाऊँगा, मैं छोड़ूंगा नहीं इनके घर में कुछ भी चीज़। ओ इधर कुछ चेस्ट मिली, वाह। चलो चाचा जी अब मरो। अरे मर जा यार, अरे 2-3 हार्ट खा गया नूबड़ा। चलो उसमें से सिर्फ घास फूस पड़ी हुई है, इसको भी छोड़ो। नेक्स्ट घर इसमें चेक करता हूँ, तो इसमें एक एंटीना वाले अंकल खड़े हुए हैं जिनको मैंने पेल दिया, और इनके पास भी एक मतलब खाने पीने का कुछ भी नहीं हो, बस इनके पास बेड होना चाहिए ताकि ये चैन की नींद सो जाए, और इनसे कुछ मतलब नहीं। ओ देखो यार उधर देखो ट्रेडर, मेरे को उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है यार, उससे अपन पता नहीं कितनी एंचेंटेड बुक ले सकते थे। चलो फिर भी इसके पास भी कुछ नहीं है और ये बेड है। अब मुझे ओ मेरा लामा यहाँ क्या कर रहा है, वाह वाह यार लामा तू मेरा पीछा कर रहा है। वैसे मैं ये तोड़ लेता हूँ, ये मेरे घर पे काम आएगा, और हाँ वो मेरा छोटा सा घर उसमें ही काम आएगा। मेरे लामा घूम रहा है, इसको घूमने दो यहीं पे। पहले मैं इसको मारूँ या नहीं मारूँ यार, मारना तो बहुत बुरा लग रहा है। चलो ठीक है मार लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पीटेगा बस इसी तरीके से। मुझे लगा मुझे पड़ा है कादा। चलो इसके घर पे भी बेड है, बस बस बेड ले लेके घूमो, रात होने वाली है, फटक से मैं सो जाता हूँ यहाँ पर। बेड तोड़ा तो यहीं इसका बेड लगा के सो जाता हूँ। अबे सोने दे यार सोने दे, हो गया मेरे को लगा ज़ॉम्बी वोम्बी पेल देंगे फालतू में, सोने ही नहीं दे रहा। ठीक है गुड मॉर्निंग गाइस, हम सो के उठ चुके हैं, और मेरे हिसाब से गाइस इधर तो कुछ भी नहीं रखा हुआ है इस विलेज में। ये शायद ये घर बचा है, ओ इसमें चेस्ट है शायद, चेस्ट मैंने देखा है। इसका दरवाज़ा किधर से? इधर भी नहीं है शायद, सामने से होगा। ओ हो फार्मर, हेलो फार्मर जी, कहाँ पर हो? आपका खेत वेत तो ऐसे ही फटा हुआ पड़ा। अबे इसके घास क्या कर रही है, बीज बीज रख देता थोड़े बहुत। चलो ये तोड़ लेता हूँ इसका बेड भी। चलो ठीक है इसका बेड भी टूट चुका है, और क्या है ये इसका शायद ये खेत है जो मरा पड़ा है। मेरा लामा यहाँ खड़ा हुआ है, इसमें कुछ नहीं है। ये वाला घर भी शायद मैंने तोड़ लिया है, हाँ इधर से भी तोड़ लिया था मैंने यहाँ से। और ये क्या नाम है इसका, प्रेशर प्लेट भी तोड़ ही लेता हूँ ना। अरे डंडा पता नहीं क्यों तोड़ा मगर तोड़ लिया। और अभी चलते हैं हम ऊपर की साइड। बाकी अभी गाइस मेरा तो दिल कर रहा है कि इधर तो कुछ मिलने नहीं वाला, तो मैं चलता हूँ अपने वापस घर पर, ठीक है ना। तो मैं चलूँ क्या अपने घर पर, बताओ 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 बताओ। अबे कुछ मिल ही नहीं रहा है, एक बिल्ली खड़ी ना है, मतलब कुछ बेड वेड सब तोड़ लिया है। ठीक है गाइस मैं चलता हूँ घर। ओके गाइस तो मैं पहुँच चुका हूँ अपने घर, और मैं कुछ सामान तोड़ के लाया हूँ, और कुछ उनके खेत वेत थे ना तो उनके खेत भी तोड़े हैं, थोड़े बहुत मुझे शीट वगैरह मिले हैं। तो मैं यहाँ पर आया, यहाँ पे दरवाजे नहीं आया, दरवाजे लगाने पड़ेंगे वरना कोई भी घुस जाएगा फालतू में। तो मैं एक उनकी चेस्ट भी तोड़ा था, तो मैं यहाँ पे चेस्ट रख के उसमें सारा ये देखो देखो ये इतना सारा सामान लाया हूँ मैं, तो चेस्ट इधर साइड में रख के उसमें सारा सामान रख देता हूँ फटाफट। एकदम स्पीड में मैं सारा सामान रखने की ट्राई कर रहा हूँ, और रखा जाए यार क्या दिक्कत है, ये ऊपर नहीं आ रहा डबल टैप करने पे। चलो ठीक है हाथ से रख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सारा सामान चेस्ट में जाएगा। जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ। और ये देखो कितने सारे मैं शीट वगैरह लाऊं, अगले एपिसोड में अपन खेत भी बनाएंगे एक बहुत बड़ा सा, ठीक है। तो मैं बेड यहाँ पर रख देता हूँ ताकि अपना रीस्पॉन पॉइंट यहाँ पर हो, वरना पता नहीं अपन कहाँ पर सुबह उठने के बाद जाएं, मतलब मरने के बाद जाएं। तो मैं डबल बेड रख देता हूँ, कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये। तो मुझे यहाँ पर दरवाजे लगाने हैं, तो दरवाजे लगाने के लिए दरवाजे बनाना पड़ता है, जो मैं बनाने जा रहा हूँ। तो मैंने बनाया तो ये 3 दरवाजे बन गए,
मुझे आज तक समझ नहीं आया कि मुझे दो दरवाजों की ज़रूरत पड़ती है, तीसरा क्यों बनता है। तो दरवाजे तो लगा दिए हैं, अब एक और दरवाज़ा है तो मैं इसको यहाँ पर लगाऊँ, लेफ्ट साइड में लगा देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर एक और दरवाज़ा लग चुका है और अपना घर हो चुका है कंप्लीट। जैसे कि अब यहाँ पर अपने दो बेड है और यहाँ पर अपना पूरा फालतू का सामान है, और यहाँ पे दो बेड और ये अपना फर्नेस वगैरह, क्राफ्टिंग टेबल से मैं एक और दरवाज़ा बना लेता हूँ उसके पड़ोस में लगाने के लिए। तो मैंने बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, चलो हटाओ। तो यहाँ पे मैंने फूड कोकने के लिए दिया है तो एक और दरवाज़ा चलो बना ही लिया मैंने, और यहाँ पर लगा देता हूँ। अच्छा तो ठीक है, दो प्रेशर प्लेट भी लगा दिया है। ठीक है, रात हो चुकी है तो मैं सो जाता हूँ। सो के गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी हम सो के उठ चुके हैं और अभी हम बाहर जाते हैं। तो ठीक है गाइस, अबे खुल जा यार। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। वैसा ये क्रीपर कहाँ है? ठीक है गाइस, अगर मैंने उस क्रीपर को मार दिया तो लाइक कर देना, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर देना। तो ठीक है, मैं उसको चुपचाप से दबे पैर मारने जा रहा हूँ। वो रहा क्रीपर, जैसे ही मारूँ वैसे ही लाइक, ये एक, ये दूसरा। अरे अरे अरे, पीछे जा पीछे। अरे फट गया, चलो फिर भी फट गया। लाइक और सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।